कोक की एक ऐसी टिप जो राशन बेचने वाले ने मुझे बताई है, ये किचन की ऐसी टिप है जो सबके पैसे बचाएगी। ये जानना आपके लिए बेहद ही जरूरी है ताकि आप अपने पैसे बचा सकें। कैसे ये किचन टिप्स आपके किचन को नया जैसा बना देंगी, आइए जानते हैं। लेकिन ये जरूर बताइएगा कि दुनिया के कौन से कोने में से आप ये वीडियो देख रहे हैं ताकि हम आपको थैंक्स कर सकें। तो हमारा पिछला थैंक्स जाता है भावना जी को जो है बड़ौदा से और अनीता जी को जो है दिल्ली से। अब दोस्तों हमें करना क्या है, हमें साबुन ले लेनी है। कोई भी साबुन दोस्तों आप ले सकते हैं। उसको दोस्तों हमें कुछ इस तरीके से कद्दूकस कर लेना है। यह दोस्तों आपके बहुत काम आने वाली है, ये आपका सारा काम किचन का आसान कर देगी। दोस्तों कद्दूकस करने के बाद में हमें लेनी है एक कढ़ाई। और दोस्तों हमने 700 ml की कोल्ड ड्रिंक ले ली है थम्सअप की, जो हमने इसके अंदर ऐड कर दी है। उसके बाद दोस्तों जो हमने साबुन का कद्दूकस किया है वो इसके अंदर डाल दिया है हमने कढ़ाई के अंदर। मैं उस भाई साहब का भी थैंक्स करना चाहूंगी जिसने मुझे ये टिप बताई है। जैसे ही यह टिप उन्होंने मुझे बताई, मैंने घर आके यूज करी, मेरा किचन एक तो चमचमाने लगा और एक दोस्तों उसमें अलग सी महक सी खुशबू आने लगी, जैसे किचन में बार बार जाने का मन करे। अब दोस्तों मैं इसको अच्छे से इस तरीके से उबाल लेती हूँ। आप देख पा रहे हैं ये कितनी अच्छे से और आसानी से इसके अंदर मिक्स हो रही है और इसमें कितने अच्छे से झागियां बन रही हैं आप देख पा रहे होंगे। लगभग 4 से 5 मिनट लगेंगे दोस्तों। यह हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है दोस्तों, इसका मतलब हमें गैस बंद कर देना है और अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। तब तक दोस्तों हमें करना क्या है, डिस्पोजल के ऐसे ग्लास ले लीजिए या फिर आपके पास कोई ऐसा बर्तन हो प्लास्टिक का आप वो ले लीजिए। इसको थोड़ा ठंडा होने कुछ इस तरीके से इसमें डाल दीजिए। एक एक करके दोस्तों मैं इन सभी में इसको डाल देती हूँ और आप देख पा रहे होंगे मैंने चारों को इसके अंदर अच्छे से डाल दिया है, अच्छे से इसको भर लिया है। अब दोस्तों हमें करना क्या है, इसको ठंडा होने के लिए रख देना है फ्रीजर में। अब लगभग दोस्तों 2 से 3 घंटे बाद जब मैंने इसको फ्रीजर में से निकाला तो यह एकदम अच्छे से जम चुका है और इसको दोस्तों अब हम बाहर निकाल लेंगे। यह देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल अच्छा और परफेक्ट शेप में हमारा बनके तैयार हुआ है और यह दिखने में बिल्कुल अच्छा, यूनिक और बहुत ही सुंदर लग रहा है। अब दोस्तों हमें करना क्या है, जैसे ही हमारे घर में कुछ काले बर्तन होते हैं दोस्तों, एल्यूमिनियम के हों, स्टील के हो, किसी भी तरीके के बर्तन हो, या आपका वॉश बेसिन गंदा हो या फिर आपके किचन की कोई चीज गंदी हो, उसे ये दोस्तों बिल्कुल आसानी से हटा देगा। आप देख पा रहे हैं ये कितने गंदे हैं, इस तरह की कुछ काली परतें इसके अंदर जम जाती हैं। तो हमने इसको हटाने के लिए इस पे थोड़ा सा पानी डाल दिया है। अब जो दोस्तों हमने इसके अंदर साबुन जमा के तैयार की थी वो इसके ऊपर डाल देते हैं और इसमें दोस्तों झागियां भी बहुत अच्छे से बनती है। जैसे जैसे दोस्तों मैं इसको रगड़ रही हूँ आप देख सकते हो कि इसका जो कालापन है वो इसको हटा रहा है। अब दोस्तों मैं इसको रफ कर लेती हूँ, इसको रगड़ देती हूँ ताकि इसके ऊपर जितने भी गंदगी है वो सारी की सारी चली जाए। दोस्तों इसको मैंने अच्छे से रफ कर लिया है, अब मैं आपको धोके दिखा देती हूँ। आप देख पा रहे हैं कि ये हमारे एकदम अच्छे से क्लीन हो गई है। तो दोस्तों दुनिया के कौन से कोने में से आप ये वीडियो देख रहे हैं बताना मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय।